that a toy car blowing its horn is moving with a steady speed of 5 meter per second away from a wall. ठीक है, an observer towards whom the toy car is moving is able to hear 5 beats per second. If the velocity of sound in air is 340 meter per second, the frequency of horn of the toy car is close to. देखो ये बहुत अच्छा सवाल है. Like यहाँ पर ये एक toy car है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है. यहाँ पर एक काफी टॉल वॉल है. ठीक है, सो ये और यहाँ पर एक मेरा लिसनर है. नाउ दिस लिसनर इज लिसनिंग अ बिट 5 बिट्स पर सेकेंड. सो ये लिसनर को बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. एक फ्रीक्वेंसी होगी जो कि डायरेक्टली यहां से जो आ रही है उसके कारण एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और उस केस में क्या हो जाएगा, सोर्स मेरा ये रहेगा और लिसनर ये रहेगा, एंड द सोर्स इज अप्रोचिंग टुवार्ड्स द लिसनर. हम मेरा जो कन्वेंशनल फिगर है उसकी तरह है. सो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एन. सो मेरा पहला फ्रीक्वेंसी एन वन क्या हुआ, एन वन हुआ एन वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस. ठीक है, सोर्स इज अप्रोचिंग टुवार्ड्स लिसनर. सेकेंड क्या होगा, सेकेंड मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी मेरा होगा जब ये जो फ्रीक्वेंसी ये वाल रिसीव करेगा, और एज न वाल मूव कर रहा है ना ये पर्सन मूव कर रहा है. सो वॉट एवर फ्रीक्वेंसी इज हर्ड बाय द वाल द सेम फ्रीक्वेंसी विल हर्ड बाय दिस मैन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थ्रू द वाल. सो ये वॉल और इस सोर्स के बीच में हम लोग देख वॉल और इस सोर्स के बीच में देखें तो ये जो वॉल है ये लिसनर है और इसका वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है और ये सोर्स इससे अवे जा रहा है. सो इस केस में सेकेंड फ्रीक्वेंसी एन टू क्या हो जाएगा, एन वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस. ठीक है, एन वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस. सो हम लोग इसको यदि पुट कर दें पूरा, वी का वैल्यू कितना है 340 और फ्रीक्वेंसी मेरा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया, फ्रीक्वेंसी बेसिकली निकालना है. सो हम लोग पुट करेंगे सारा वैल्यू तो कितना आ जाएगा, एन इंटू 340, ये वी माइनस वी एस कितना हो जाएगा 335 और वी प्लस वी एस कितना हो जाएगा 345. सो एन इंटू 340, एन इंटू 340 डिवाइडेड बाई 1/335 माइनस 1/345. ठीक है, अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बोल रहा है कि ये कितने बिट के बराबर है, तो ये 5 बिट के बराबर है. ठीक है, यही डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना के बराबर है, 5 के बराबर है. सो ये 5 बिट के बराबर हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा एन का 169.96. कितना आएगा, 169.96, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 170 हर्ट्ज. So answer will be D. This is a very good question. So now we will see one question again. ये एक next question हम लोग देखते हैं जो कि NEET 2016 का है. ये question बोलता है कि एक siren है जो कि 800 hertz का frequency emit करता है and it moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. So ये cliff है, ये एक observer man है and this siren or this car is moving with a speed of 15 meter per second towards this cliff. Now मेरा सवाल क्या बोल रहा है, मेरा सवाल ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा, ये इको के थ्रू जो आ रहा है उसमें. ठीक है, ध्यान दे ये बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी ये हियर करेगा, एक जब मेरा ये लिसनर है एंड ये सोर्स है, एंड इन इन दैट केस द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर. सो उस केस में फ्रीक्वेंसी एन डैश कितना हो जाएगा, वी बाई वी प्लस वी एस इंटू एन. ठीक है, सो लेकिन मेरा ये फ्रीक्वेंसी ये सवाल नहीं पूछ रहा है. मेरा सवाल क्या, आप क्या पूछ रहा है कि ऑब्जर्वर इको में कौन सा फ्रीक्वेंसी देखेगा. सो इको में फ्रीक्वेंसी वो होगा जो कि ये जो जो वाल है ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है और वही फ्रीक्वेंसी ये फिर इमिट कर रहा है. सो बेसिकली
और ये वाल एंड ये ऑब्जर्वर बोथ आर इन रेस्ट, सो व्हाट एवर फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस क्लिफ द सेम फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ड बाय दिस मैन। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस केस में मानेंगे कि मेरा लिसनर क्लिफ है और सोर्स ये है, और फिर हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, द सेम फ्रीक्वेंसी विल बी आवर आंसर। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी n1 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा n इंटू वेलोसिटी ऑफ क्लिफ ऊपर में होगा जो कि इक्वल टू 0 है, सो v माइनस 0 डिवाइडेड बाय v माइनस 15। ठीक है, vs जो मेरा कन्वेंशनल फिगर है उसकी उसी के टाइप का है, सो nv डिवाइडेड बाय v माइनस 15। एंड यदि हम इसको सॉल्व करते हैं विथ पुटिंग अ वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 800 हर्ट्ज, द वैल्यू कम्स इक्वल टू 838 हर्ट्ज। व्हाट वैल्यू कम्स? 838 हर्ट्ज। सो आंसर विल बी सी। वी विल सी वन क्वेश्चन ऑफ AI EEE 2009। It is also a very good question. So, what this question says that there is one siren here which is produces a sound of frequency, some sound of frequency. Suppose n, it produces a sound of frequency n. Now, a person starts moving from here with a acceleration of 2 meter per second स्क्वायर। सो सपोज करो ये पर्सन है जो एक व्हीकल पे जा रहा है एंड द एक्सलरेशन ऑफ व्हीकल इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल ये हो गया। अब नाउ द पर्सन ये पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल कितना दूर तक जा चुका रहेगा इफ द ड्राइवर हियर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एट 94% ऑफ इट्स वैल्यू वेन द मोटरसाइकिल वॉज एट रेस्ट। सो वेन द मोटरसाइकिल वॉज एट रेस्ट एट दैट पॉइंट द पर्सन हियर द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाई द सायरन। सो इफ एन इज द फ्रीक्वेंसी देन वेन द पर्सन इज एट रेस्ट देन इट हियर्स द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन। Now we calculate the speed of this motorcycle when the frequency of sound heard by this person equal to 94% of its value. So for this the apparent frequency is equal to 94% of actual frequency. So what is our apparent frequency? N dash is equal to 0.94 into N, and it is equal to, if you apply the formula, then the source is at rest and listener is moving away from the source with speed v. So n into v minus vl divided by v. Vs is equal to 0 here. So if you put this value, then n से n cancel हो जाएगा एंड वी का वैल्यू कितना दिया, वी का वैल्यू 330 दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड। सो 330 माइनस वी एल इज इक्वल टू 0.94 इंटू 330। ठीक है, सो यदि हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू 330 वन माइनस 0.94 इज इक्वल टू 330 इंटू 0.06 and the value comes is equal to 19.8 meter per second. Now this is our final velocity and the initial velocity of this motorcycle is equal to 0, the acceleration is 2 meter per second square. So if we apply the formula v square is equal to u square plus 2as, that is the formula when the body is moving with a constant acceleration, then we get the final answer. So v square is equal to 19.8 ka whole square is equal to 2 into 2 into s 2as, a ka value yahan par 2 hai and initial velocity is equal to 0. So after the application of this formula we get s is equal to 19.8 into 19.8 divided by 4 is equal to 98.01 meter. So answer will be 1. Now
द अनदर क्वेश्चन इज ऑफ AIEEE 2006 विच सेज दैट अ विसल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 9500 हर्ट्ज 9500 हर्ट्ज एंड अबव इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी पर्सन विथ स्पीड वी मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड इफ द पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू मैक्सिमम 10,000 हर्ट्ज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वी अप टू विच ही कैन हियर द विसल सो एक कोई विसल है जो कि वी वी वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर एक पर्सन है जो कि मैक्सिमम 10,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी हियर कर सकता है और ये कितना का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 9500 हर्ट्ज मतलब 9500 हर्ट्ज। नाउ ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वी कितना होगा जब ये पर्सन लिसन कर पाए। देखो जब ये वेलोसिटी घट ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है एंड एज द सोर्स इज अप्रोचिंग सो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ओके सो वी अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट वी माइनस वी एल वी एल का वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज 10,000 हर्ट्ज। तो इससे मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी निकल पाएगा। सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला देन द वैल्यू कम्स इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया एंड ये दोनों से ये कैंसिल हो गया। सो आया 3 × 95 डिवाइडेड बाई 300 माइनस वी इज इक्वल टू 1 एंड 300 माइनस वी इज इक्वल टू 285 एंड वी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड।